NFTs को मार्केटप्लेस पर लिस्ट करते वक्त आपकी मुलाकात गैस्पीज से तो जरूर हुई होगी, और हो सकता है जिसे देखकर आपने अपने कदम पीछे कर लिए हो, क्योंकि एज अ बिगनर एक नए क्रिएटर और आर्टिस्ट के लिए इतनी गैस्पीज पे करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जिनको नहीं पता तो बता दूं, तो चाहे फिर आप NFTs में ट्रेड करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, या अपनी खुद की NFT क्रिएट करके सेल करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको देनी पड़ती है एक एक्सपेंसिव ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जिसे गैस्पीज कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि NFT गैस फीस आखिर होती क्या है, और गैस फीस देनी इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे गैस फीस को हम कम कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अल्टरनेटिव वेज को भी जानेंगे जिससे हम बिना गैस फीस के भी NFTs को मिंट करके सेल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गैस फीस होती क्या है। व्हाट इज गैस फीस? आसान शब्दों में समझाऊं तो गैस फीस वो ट्रांजैक्शन फीस होती है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क के माइनर्स को यूजर्स की ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए दी जाती है। गैस फीस पे करने के बाद ही माइनर्स आपकी NFT को ब्लॉकचेन पर मिंट और वैलिडेट करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपकी डिजिटल आर्ट को ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है और एक पूरी ओनरशिप उस आर्टवर्क के ओनर को यानी आपको दे दी जाती है, जिसके बाद इसे कोई भी एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकता, मार्केट प्लेस का ओनर भी नहीं, और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इससे हर कोई ये पता लगा सकता है कि इसका करंट ओनर कौन है। गैस फीस को एक तरह से प्रोसेसिंग फीस भी कह सकते हैं। इंटरेस्टिंगली गैस फीस का प्राइस फिक्स नहीं रहता है, काफी सारे रीजंस की वजह से टाइम के साथ इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। आगे हम कुछ ऐसे वेज को जानेंगे जिससे आप गैस फीस रिड्यूस कर सकते हो और बिना किसी गैस फीस के भी NFTs मिंट कर सकते हो। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि NFTs को मिंट करने के लिए गैस फीस की नीड क्यों है, और गैस फीस पे करनी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। मिंटिंग ब्लॉकचेन पर NFTs को क्रिएट करने की प्रोसेस होती है, और क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है यानी जिसे कोई भी कम्युनिटी या अथॉरिटी नहीं चलाती है, इन्हें माइनर्स मेंटेन करते हैं जो NFTs को मिंट करते हैं। सो बिकॉज माइनर्स अपनी खुद की कंप्यूटिंग पावर और रिसोर्सेज का यूज करते हैं NFTs मिंटिंग के लिए और ब्लॉकचेन पर होने वाली हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, और इसके बदले में वो अपने टाइम और रिसोर्सेज को कवर करने के लिए लाइक नेटवर्क डाटा और पावर इलेक्ट्रिसिटी जो भी मिंटिंग के वक्त लगी है उसे कवर करने के लिए वो एक पेमेंट एक्सपेक्ट करते हैं एज अ गैस फीस। इसके अलावा विद गैस फीस किसी भी ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस हैकर्स और स्पैमर्स से बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर रहती है, और गैस फीस नेटवर्क को मेंटेन करने का एक काफी अच्छा तरीका भी है। नाउ हाउ टू सेव गैस फीस, जो इस वीडियो का मेन मोटिव है। ज्यादातर पॉपुलर NFT मार्केट प्लेसेस NFT मिंटिंग के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन का यूज करती हैं, क्योंकि इथेरियम सबसे सेफेस्ट ब्लॉकचेन्स में से एक मानी जाती है। इसके साथ ही ये सबसे ज्यादा गैस फीस चार्ज करने वाली ब्लॉकचेन भी मानी जाती है। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप गैस फीस सेव कर सकते हो यानी रिड्यूस कर सकते हो, जैसे वीकेंड सबसे क्वाइटर टाइम है, उस टाइम ट्रेडिंग मार्केट वीकडेज के कम्पेयर काफी शांत रहता है, जिसकी वजह से गैस फीस लो रहती है, क्योंकि गैस फीस डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर सेट की जाती है। दूसरा तरीका है कि आप गैस फीस लिमिट सेट करके ट्रांजैक्शन फी पर सेव कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज गैस फीस कम्प्लीटली इस पर डिपेंड करती है कि आप NFTs मिंट करने के लिए कौन सी ब्लॉकचेन यूज करते हो। ऐसी भी ब्लॉकचेन्स है जो आपसे मिंटिंग के लिए बहुत ज्यादा कम या जीरो गैस फीस चार्ज करती है। जैसे अगर आप बिना किसी गैस फीस को पे किए अपनी NFT को मार्केट प्लेस पर सेल करना चाहते हो, तो आप पॉलीगोन ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हो जो यूजर्स से जीरो गैस फीस चार्ज करती है। एंड मीनवाइल सोलाना ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा कम गैस फीस चार्ज करती है एज कम्पेयर टू इथेरियम ब्लॉकचेन। सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी NFT मार्केट प्लेस OpenSea पॉलीगोन और सोलाना दोनों ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने लगी है एज वेल एज इथेरियम ब्लॉकचेन। पिछले कुछ टाइम से NFTs की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने आर्टिस्ट और क्रिएटर को एक बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड की है। सो आई होप कि गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, गैस फीस का कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और भी NFT रिलेटेड वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।